तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, नहीं बताया तो बता देता हूं। और बोर्ड्स के अंदर इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कुछ ना कुछ पक्का आएगा ही आएगा। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसी सरफेस है, रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है, कि जिसके हर पॉइंट के ऊपर वी की वैल्यू रिमेन्स सेम। तो अगर कोई ऐसी सरफेस है जिस पे अगर पॉइंट का पोटेंशियल वी है और हर पॉइंट का पोटेंशियल वी 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 वी, तो वो सरफेस को क्या माना जाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस को समझने के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बना के दिखाता हूं कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पॉइंट चार्ज है क्यू, ठीक है, और मैंने आपको यह कहा कि क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल निकालो, राइट, आर डिस्टेंस दूर। अब आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, आर डिस्टेंस दूर ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी है, ये भी हर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं उन सभी पॉइंट्स और सर्फेसिस को ज्वाइन करूं, मैंने ज्वाइन कर दिया, तो ये इमेजिनरी स्फेयर बनेगा जहां पर वी की वैल्यू क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम। तो हम बोलेंगे कि ये स्फेयर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्लियर है? तो आप अगर कोई भी इसमें पॉइंट चार्ज क्यू लें, ये क्यू चार्ज के लिए ये स्फेयर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स अगर लिए जाएंगे तो वी की वैल्यू हर स्फेयर के पॉइंट पर क्या आएगी, एग्जैक्टली सेम। अगर मैं एक और स्फेयर लेता हूं, ये आर वन डिस्टेंस दूर है, ये आर टू डिस्टेंस दूर है, तो यहां पर भी वी की वैल्यू एग्जैक्टली क्या आएगी, सेम। जैसे यहां पर हर पॉइंट पर वी सेम है, वी एंड वी, यहां पर हर पॉइंट पे वी सेम है, वी डैश एंड वी डैश। तो ये भी इक्विपोटेंशियल है और ये भी इक्विपोटेंशियल है। तो कई लोग ऐसा कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों अगर इक्विपोटेंशियल है तो वी डिफरेंट कैसे है। तो ऐसा बोलना चाहिए, ये पहली इक्विपोटेंशियल है, ये दूसरी इक्विपोटेंशियल है, ये तीसरी इक्विपोटेंशियल है। तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस डिफरेंट है इसमें, पर हाँ ये जरूर है कि अगर ये तीसरी इक्विपोटेंशियल है तो v की वैल्यू इस पॉइंट पर कुछ भी लेंगे वो एग्जैक्टली क्या देगा, सेम रिजल्ट देगा, v की वैल्यू सेम रहेगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? यानी कि जितने भी स्फेयर्स ड्रॉ करेंगे एक q चार्ज के बाहर, वो सारे के सारे क्या होंगे, इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ही होंगे। क्या ये रिजल्ट क्लियर है? मतलब ये तो वही रूल है, अगर ये क्यू चार्ज है और यहां पर ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल देता है, तो थोड़ा दूर जाएंगे पोटेंशियल की वैल्यू 8 वोल्ट हो गई, थोड़ा और दूर जाएंगे 6 वोल्ट हो गई, तो ये 6 6 6 8 8 8 और 10 10 10। तो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का कुछ भी नहीं है वी का, तो कोई लेना देना नहीं है। एक भी पोटेंशियल पे वी है तो दूसरी पे क्या होगी मुझे पता नहीं, वो डिसाइड कौन करेगा, वो क्यू डिसाइड करेगा और आर डिसाइड करेगा कि आप कितनी दूर बना रहे हैं। ठीक, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के अंदर, जैसे अगर सपोज करो ये क्यू चार्ज है और ये इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, अगर इमेजिन करो कि मैं इस सरफेस का एक पार्ट कंसीडर करता हूं, मैंने इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का ये वाला इसका टॉप का पार्ट कंसीडर किया, ये रहा ऐसे, ठीक है, सरफेस इसका, इसकी छत थोड़ी सी उठा ली, तो आपको ये पार्ट कुछ ऐसा नजर आएगा, राइट, ऐसा। तो ये क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो यहां पर v की वैल्यू, यहां पर v की वैल्यू, यहां पर v की वैल्यू विल रिमेन सेम। क्लियर है? तो 3D इफेक्ट देने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो इसमें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगा, चार्ज q में से चेक करो, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ इस तरीके से जा रही हैं, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसमें से भी क्रॉस कर रही हैं, और इमेजिन करो
कि अगर मैं किसी भी टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लेके जाता हूं, सरफेस के ऊपर से सरफेस के ऊपर ही रखता हूं, तो अगर मान लो ये ए पॉइंट है और अगर ये बी पॉइंट है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रखता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन. तो वर्क डन विल बी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. क्या पॉइंट क्लियर है? तो वर्क डन क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल. लेकिन पोटेंशियल की वैल्यू तो क्या होती है इक्विपोटेंशियल पे? सेम. तो वी और वी भी एग्जैक्टली सेम है, तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा? जीरो. तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या आएगी? इसका मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आपने कोई टेस्ट चार्ज को उठा के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे रखा, तो आपका वर्क डन की वैल्यू क्या रहेगी? जीरो. कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये, और यही प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया आपकी शीट पर. तो ये बना दी इक्विपोटेंशियल, लेकिन ज्यादातर केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस ये बनाता है, ये स्फीयर का पार्ट उठा के लेके आता है, क्योंकि नीचे कोई क्यू पॉइंट होगा और एक स्फीयर होगा, स्फीयर का एक हिस्सा निकाल दिया उसने, ये लिख दिया. और नहीं भी लिखा उसने, अगर स्फीयर का हिस्सा नहीं भी लिया, उसने अगर लिख दिया कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल है, तो इक्विपोटेंशियल है, बात खत्म. आप ये नहीं कह सकते कि क्यों है. तो उसने कहा इक्विपोटेंशियल, तो हमने कहा ठीक है इक्विपोटेंशियल, तो वी की वैल्यू पॉइंट हर पॉइंट पर क्या रहेगी? एग्जैक्टली सेम. अब बात यह है कि इक्विपोटेंशियल है, तो वी की वैल्यू सेम है ऑन एवरी पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस. और मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया कि अगर आप कोई ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और अगर आप किसी भी टेस्ट चार्ज को उठा के ए से बी पे लेके जाते हो, तो क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ए और बी की एग्जैक्टली सेम है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आएगी? जीरो. तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है. दूसरी प्रॉपर्टी, जब आप चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहे हो, तो ये आपका क्या वेक्टर हुआ? डी आर वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट? तो ए और बी, ए एंड बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा? जीरो. लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो मैंने आपको करवाया था, ये भी करवाया था, क्या करवाया था? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर. क्लियर है? तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, तो माइनस ऑफ ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो. इसका मतलब ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो. इसका मतलब ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जीरो है. इट मीन्स टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. क्लियर है यहां तक? तो सेकेंड प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास करेगा? 90 डिग्री पे ही पास करेगा. क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो इसीलिए इसने ई वेक्टर को कैसे ड्रॉ किया? डी आर के साथ कितने एंगल पे ड्रॉ किया? 90 पे ड्रॉ किया. क्लियर है यहां तक? मैं अपने पुराने केस पे चलता हूं. मेरा केस ये था, चेक करो, ये मेरी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स थी. चेक करो, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, अगर मैं ये डी आर लेता हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो एंगल क्या बनाएगी? हमेशा 90. यहां डी आर लेता हूं सरफेस के ऊपर, तो एंगल क्या बनाएगी? 90. तो इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इक्विपोटेंशियल सरफेस से जब क्रॉस कर रही है, तो कितना एंगल बना के क्रॉस कर रही है? 90 एंगल बना के क्रॉस कर रही है. कोई डाउट इसमें? तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी क्लियर है. तो पहली प्रॉपर्टी क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस में अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? जीरो. दूसरी प्रॉपर्टी है ई वेक्टर परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर. सेकेंड प्रॉपर्टी है. कोई डाउट इसमें? ठीक. नेक्स्ट, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ये एग्जांपल मैं दे चुका हूं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके आगे जो स्फीयर बनेंगे, ये जो स्फीयर्स हैं, ये क्या होंगे? इक्वी पोटेंशियल होंगे. तो V की वैल्यू यहां पर जो भी रहेगी, यहां पे जो भी रहेगी, यहां पे जो भी रहेगी, पर एक स्फीयर के ऊपर तो सेम ही रहेगी. तो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस वगैरह, ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है. वो पेपर में एनसीईआरटी में देता है कि ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो. हाँ तो कर दो. इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होंगी? परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस. इनमें से ऐसे पास करो ये जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस का एंगल क्या बनाए? 90. उल्टा भी हो सकता है, आपको लाइंस ड्रॉ करके दे देगा, कहेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ. तो ये ड्रॉ कर देना कि जो भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो लाइन के साथ एंगल क्या बनाएगा? 90. तो पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा 90, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इक्विपोटेंशियल के साथ एंगल हमेशा क्या बनाएगा? 90. ठीक है यहां तक? नेक्स्ट है वही इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ पॉइंट
चार्ज, ये रहा पॉइंट चार्ज। पर आपने एक चीज नोट की होगी, पॉइंट चार्ज का जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो ऐसा ड्रॉ किया, ऐसे कैसे ड्रॉ किया, स्पेसिंग स्फेयर्स के बीच में पहले कम है और फिर ये स्पेसिंग क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जो कंसेंट्रिक स्फेयर्स हैं शुरू में टाइट हैं, बाद में खुलते जा रहे हैं, इसका लॉजिक है, ये ऐसे ही बनेगा। इक्वल स्पेसिंग नहीं होती इक्विपोटेंशियल सरफेस में, बताता हूं क्यों। तो इसको समझने के लिए जरा इस एग्जाम्पल पे आओ। सपोज आपके पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, ठीक है। तो आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, इस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। फिर ये अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये अगली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मेरे को स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं। इक्विपोटेंशियल किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में स्पेसिंग बढ़ती जा रही है, उसका रीजन बताता हूं। सपोज ये पॉइंट चार्ज है और इसने यहां पे पोटेंशियल लगाया 10 वोल्ट, मान लो 10 वोल्ट आर डिस्टेंस पे 10 वोल्ट, तो ऑब्वियसली यहां पर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट एंड 10 वोल्ट रहेगा। थोड़ा सा और दूर जाओगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 से कम आएगी, क्योंकि जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते जाओगे V क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहां पर मान लो 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट 8 वोल्ट है, राइट। फिर आगे और गए तो मान लो 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट है, तो ये भी इक्विपोटेंशियल है, ये भी इक्विपोटेंशियल है और ये भी इक्विपोटेंशियल है, राइट। क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें। आप मुझे एक चीज बताओ कि इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो अगर मैं ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस लूं, ये दो पॉइंट्स लूं, तो इनके बीच में स्पेसिंग कितनी है, मान लो dr, तो इन दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dv की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। किन्हीं भी टू, कोई भी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर लेंगे तो किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dv क्या रहेगा, कांस्टेंट। नेक्स्ट ले लो, ये ले लो, ये देखो ये ले लो, तो इसमें dr की वैल्यू क्या हो गई, ज्यादा, मैंने ज्यादा रखी है, पर ज्यादा रखी कम रखी बात अलग है, पर dv की वैल्यू इसमें क्या रहेगी, 8 में से 5 क्या कितना 3, तो फिर से क्या आएगा, कांस्टेंट। हां मैं ये वो अलग बात है कि इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, इनका डिफरेंस 3 आ रहा है, तो इन दो का डिफरेंस है, इन दो के डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं है। फॉर एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात हो रही है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूं तो dv कांस्टेंट है, कोई भी पॉइंट ले लो इनके ऊपर dv हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। कोई भी अगर पॉइंट इन दो पे लोगे तो डीवी क्या आएगा, कांस्टेंट। अब मुझे पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, कहां करता है, बाहर की तरफ करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डीवी और डीआर में ये रिलेशन सबको पता है, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में, फॉर एनी टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मान लो ये दो ले लो बस, किन्हीं भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में dv की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। तो जैसे जैसे dr बढ़ेगा, स्पेसिंग दो इक्विपोटेंशियल सरफेस में बढ़ेगी, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो dr अगर कम होगा, स्पेसिंग इक्विपोटेंशियल सरफेस में कम होगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस टाइट होगी, तो E की वैल्यू वहां पर ज्यादा होगी। dr कम होगा तो E ज्यादा होगा। क्लियर है यहां तक, तो ऑनलाइन वालों को क्लियर है ये? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक, तो अब इस चीज को समझते हैं कैसे। मेरे पास एक पॉइंट चार्ज क्यू था और मुझे पता है कि क्यू चार्ज के जितने नजदीक रहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर उतना ही ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होगा। तो जब मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ करूंगा तो क्योंकि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होगा, तो dr मुझे क्या रखना पड़ेगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में, कम रखना पड़ेगा, dr स्पेसिंग कम रखनी पड़ेगी। यानी कि अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पास पास हैं, डीआर कम है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है,
और दूर जाके, थोड़ा दूर जाके dr को मैंने क्या कर दिया, ज्यादा बढ़ा दिया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्या हो गया, कम। और ऐसे ही तो होता है, जो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज से जितनी दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग से क्या हो रहा है, वीक। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस शुरू में क्या ड्रॉ करनी पड़ेगी, टाइट स्पेसिंग रखनी पड़ेगी, कम डीआर क्या रखना पड़ेगा, कम, और फिर डीआर को ज्यादा ज्यादा ज्यादा, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, कम। तो ये पॉइंट समझ में आया, तो क्वेश्चन आएगा बोर्ड में कि ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो आपने जब वो कंसेंट्रिक शेल्स, ये स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे आप, तो जब आप ये स्फीयर्स ड्रॉ करेंगे इनमें स्पेसिंग बराबर मत रखना, गलत हो जाएगा। स्पेसिंग शुरू में ज्यादा रखना, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन वालों क्लियर है ये? तो जब पेपर में आएगा कि आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज बनाएं, तो आप ये ड्रॉ करेंगे कंसेंट्रिक शुरू में टाइट, बाद में इसको खुलते जाएंगे। ठीक है, ये तो 3D ऐसी बना रखा है, ये भी किसी काम का नहीं है, कुछ नहीं है। यहां कोई प्लेट रख रखी होगी इसलिए कांस्टेंट है। ओके, क्लियर है यहां तक? तो नेक्स्ट जो है इसकी प्रॉपर्टीज है। तो इसकी प्रॉपर्टीज में व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने बता दिया। तो पहली प्रॉपर्टी, कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हम लेंगे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इज जीरो। दूसरा मैंने बता दिया E वेक्टर परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर। तो ये प्रॉपर्टीज को इकट्ठा कर दिया। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी वर्क डन जीरो की। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बता दी कि E वेक्टर परपेंडिकुलर टू dr वेक्टर। तीसरी प्रॉपर्टी भी मैंने बता दी कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको इक्विपोटेंशियल सर्फेस की जो सर्फेसिस है उनको देखते हुए आप बता सकते हैं कि कहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे बताया मैंने, स्फीयर्स में जहां पर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस पास हैं फील्ड स्ट्रॉन्ग है, जहां दूर है फील्ड वीक है। तो यही बता रहा है वो कि dr प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e, कि जितना ज्यादा dr ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर कम होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है इक्विपोटेंशियल सरफेस टेल द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताता है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताता है, एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पॉइंट चार्ज का कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है? ये तो क्योंकि मुझे मालूम है कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। ठीक, तो इस केस में यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और यह वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, एक पॉइंट चार्ज में स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाएगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, तो जहां सरफेसेस टाइट हैं, पास पास हैं और जहां खुल रही हैं, तो वहां स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की तरफ जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा, स्ट्रॉन्ग से वीक। तो ये आपको डायरेक्शन बता सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन
कहां होगी, फ्रॉम स्ट्रॉन्ग फील्ड टू वीक फील्ड। क्या पॉइंट क्लियर है? और लास्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। मान लो ये आपकी पहली इक्विपोटेंशियल सर्फेस है जहां पर हर पॉइंट पर पोटेंशियल एग्जैक्टली क्या है, सेम है, और ये आपकी दूसरी इक्विपोटेंशियल सर्फेस है, मान लो इंटरसेक्ट कर गई, और यहां पर पोटेंशियल 8 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है। अब सोचने वाली बात है, ये पॉइंट कॉमन है दोनों के लिए, अगर इंटरसेक्ट कर गई तो ये पॉइंट कॉमन आएगा दोनों इक्विपोटेंशियल के लिए। अब एक भी इक्विपोटेंशियल सर्फेस के हिसाब से वहां पर पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 10, और दूसरे के हिसाब से क्या होना चाहिए था, 8। अब एक पॉइंट पे एक ही पोटेंशियल होगा, या 10 होगा या 8 होगा, इसलिए कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बोलो, फिर कर लेंगी, अगर 10-10 की होंगी फिर आप कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफरेंट वैल्यूज के साथ इसको इंटरसेक्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है? वो तो कॉमन पॉइंट आ गया ना, वो तो चांस की बात है कि 10-10 हो गया तो आपने वहां ड्रॉ कर दी। अदरवाइज अगर आप डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सर्फेस की बात हो रही है यहां पर, तो डिफरेंट तो कम से कम इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है? तो ये नेक्स्ट पॉइंट, ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, और ये आपके इक्विपोटेंशियल सर्फेस है।